हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो दोस्तों, आज है मेरे साथ मेरे बड़े भाई, हमारे वरुण भैया। तो बहुत बहुत स्वागत है इनका, ये पहली बार है हमारे चैनल पे, इनका बहुत बहुत स्वागत है। वरुण पाजी, थैंक यू। अभी थैंक यू हम फॉर एक्चुअली काम पे इनवाइटिंग थे तो हमने ब्रेक थी हमारे साथ में, तो हमने सोचा कि चलिए एक वीडियो बनाते हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन है। तो बात करते हैं वरुण पाजी से कि इस समय जो करंट सिचुएशन चल रही है माल्टा में, वो क्या है? करंटली माल्टा की सिचुएशन ये है कि आप आ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से वीजा इश्यू किए जा रहे हैं, आपको जी 3 मंथ का जो एंट्री वीजा मिल जाता है हाँ जी वो इश्यूज हो रहे हैं। हाँ जी बट यहाँ पे आके जो इनका आइडेंटिटी माल्टा का जो सिस्टम हो रहा है, जहाँ जी पे अगर टेम्परेरी कार्ड या वर्क परमिट जो अप्लाई करते हैं हम टेम्परेरी रेजिडेंस, हाँ जी तो उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। उसमें क्या उसमें क्या कर दिक्कत क्या आ रही है उसमें? उसमें दिक्कत ये आ रही है कि मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक आउट ऑफ 100% से बात करें, आउट ऑफ 100 लाइक 70 और 80% केसेस रिजेक्ट कर रहे हैं वो, क्योंकि ये ओवर पॉपुलेटेड हो चुका है, तो इमिग्रेंट्स को कम करने की ये अच्छा, कर रहे मतलब हैं। कि अगर हम बात करें कि वीजा लग रहा है, वीजा लगने के बाद जब कैंडिडेट माल्टा में आ रहा है हाँ तो जब हम टीआरसी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल, तो वो टीआरसी कार्ड नहीं बना के दे रहे, नहीं बना के वो दे रहे, रिजेक्ट कर वो रहे रिजेक्ट हैं। कर रहे हैं फाइल। और इन दैट केस आपने जो भी एक्सपेंस इंडिया में आपने एजेंट को दे रखे हैं तो वो आपके सारे वैनिश हो जाएंगे, तो आपको कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो आप थोड़ा ध्यान से कि अपना एम्प्लॉयर जो है वो अपना वाइसली थोड़ा चूज करें, ठीक है। जो भी एम्प्लॉयर आप चूज कर रहे हैं उनकी हिस्ट्री देखें, कंपनी की हिस्ट्री देखें, कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, स्ट्रांग कंपनी है, सक्सेसफुली लाइक हाँ टाइमली जी टैक्सेस पेड कर रही है वो बाकी एम्प्लॉयज की। अगर तो कोई कंपनी ब्लैकलिस्टेड है, किसी हाँ भी जी निगाह में है, उनके सिस्टम में किसी भी तरह के किसी एम्प्लॉय का टैक्स नहीं पे हुआ, या फिर किसी एम्प्लॉय के साथ उन्होंने किसी एम्प्लॉयज ने रिपोर्ट की है किसी वजह से कंपनी की, कि उनका वर्किंग एटमोसफेयर या जो भी कमिटमेंट्स की थी उन्होंने हाँ जी वो फुलफिल नहीं कर रहे, ठीक तो है वो एक तरह की उनके निगाह में आ जाती है सिस्टम के। ठीक है तो वो काइंड ऑफ लाइक अगर ब्लैक लिस्टेड है कंपनी या फिर कंपनी का जो ओवरऑल प्रोफाइल है हाँ वो जी। अच्छा नहीं है, तो तो वरुण पाजी, मुझे आप एक बताओ फिर, ये या तो वो पहले ही वीजा ना दे, हाँ क्योंकि सुनने में पहले तो यही आ रहा था कि माल्टा में जैसे सेंट्रल वीजा यूनिट अब वीजा दे रहा था, तो वो वेरिफिकेशन पहले क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वो पहले ही वेरीफाई कर ले कंपनी को और वीजा ही इश्यू ना करे कि अगर कल को हम इंडिया से यहां आ जाते हैं या पाकिस्तान या नेपाल कहीं से भी आते हैं, वीजा लगने के बाद यहां आके अगर टीआरसी कार्ड हमारा नहीं बनता है तो उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिर सबकी गलती है कि आप पहले ही वीजा ना दो अगर कंपनी ब्लैकलिस्ट है। यही तो सर इनकी स्ट्रैटेजी है इस टाइम, ये मोनोपोली चल रही है इनकी गवर्नमेंट की, कि पैसे बना रहे हैं ये, ठीक है इनको पैसे भी चाहिए, बट उसी केस में ये ऐसे ही कर रहे हैं कि ये वीजा रिजेक्शन जो दे रहे हैं, अच्छा जो जी कंपनीज देख रहे हैं कि ठीक है, मतलब कई तो ऐसी कंपनीज हैं कि बहुत अच्छी प्रोफाइल है, सब कुछ अच्छा है, बट आइडेंटिटी माल्टा उनका वीजा रिफ्यूज कर रहा है ये कह के कि वी डोंट नीड एनी मोर पीपल। लाइक जो टैक्सी कंपनीज हैं जी जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, टैक्सेस जा रहे हैं टाइमली, हाँ जी वर्क प्रोफाइल अच्छी है सबकी, बट स्टिल उनका ये कह के वीजा रिजेक्ट हुआ कि हमें ड्राइवर नहीं चाहिए फॉर मतलब एग्जाम्पल। ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ी मतलब बात है कि वीजा आने के बाद भी अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि अभी हमें किसी को भी वीजा अप्लाई करवाना चाहिए, खासकर माल्टा का अवॉइड हाँ करना चाहिए फिलहाल हमें कुछ समय के लिए। हाँ अवॉइड करो अभी के लिए, अभी इलेक्शंस भी हैं 2024 में माल्टा में, तो जी बिग चेंजेस आर एक्सपेक्टेड कि थोड़े और चेंजेस जैसे होने भी वाले अभी हैं। इन्होंने फीस वगैरह भी बढ़ा दी है, हाँ 300 फीस भी यूरो बढ़ा दी आइडेंटी है, माल्टा की फीस कर दी है। तो मेन बात यही है कि ऐसा नहीं है कि सबके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, कुछ लोग हैं, कुछ हमें नोटिस में आए थे कि कुछ लोगों के साथ ही ऐसी प्रॉब्लम आई है कि वीजा आने के बाद यहाँ टीआरसी कार्ड में प्रॉब्लम आई क्योंकि कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी। सबके साथ नहीं है ऐसा, हर सबके कंपनी साथ, के साथ नहीं हर है, कंपनी के साथ वीजा नहीं। आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि वीजा नहीं आ रहे, लोग नहीं आ रहे या काम पे नहीं लग रहे, कुछ कंपनीज जो ब्लैक लिस्ट थी या उनका टैक्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम रही होगी हाँ या उनको हाँ बंदे कम चाहिए थे, ज्यादा बुला लिए, हाँ उनके साथ ये प्रॉब्लम आई है। तो जब भी आप कंपनी में अप्लाई करो तो एक बार बैकग्राउंड चेक बहुत जरूरी है कि चेक कर ले कि कंपनी कैसी है। एग्जैक्टली ये ठीक तो है ठीक है। तो ये बहुत अच्छी आपने एक इन्फॉर्मेशन दी है, एक नई बात मुझे पता लगी, मेरे ध्यान में भी नहीं थी कि ऐसी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है कि वीजा आने के बाद भी यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए, थैंक यू सो मच वरुण पाजी, आपने टाइम थैंक दिया यू और बहुत और अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने। थैंक यू तो सर, थैंक चलिए यू, ठीक है। चलिए दोस्तों, आई होप आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू।